ये उपराला बहुत ही अच्छा है। मंत्री साहब ने जो उपराला शुरू किया कि ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो ई पंजाब से कनेक्टेड है। ई पंजाब में हर बच्चे का पूरा डाटा होता है, जैसे कि उसके माता पिता का नाम, उसका आधार कार्ड, उसका फोन नंबर। जब यहाँ टीचर अटेंडेंस लगाते हैं तो जो बच्चे नहीं आते हैं उनके घर में डायरेक्टली मैसेज चला जाता है। ये मैसेज से बच्चों के पेरेंट्स को ये पता लग जाता है कि बच्चे आज स्कूल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से झूठ बोलकर कहने को तो स्कूल आते हैं पर वो स्कूल में पहुंचते नहीं है, क्योंकि एक टीचर या एक प्रिंसिपल तभी तक बच्चों को पढ़ा सकता है या समझा सकता है जब तक वो बच्चे उनके पास ना पहुंचे। अगर बच्चे उनके पास ही नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? इससे ये बच्चों का पता लग जाता है कि बच्चे स्कूल आए हैं या नहीं आए हैं। ये उपराला बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में 2-3 साल पहले ही ऐसे उपराले किए गए थे। जिस दिन हमारे स्कूल में बच्चा नहीं आता है या 1-2 दिन हम देखते हैं नहीं आता है तो उसके घर में हम फोन करते हैं कंफर्म करने के लिए कि बच्चा वाकई ही स्कूल में आया है या नहीं आया है। अगर तो उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो समझ ही जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो पेरेंट्स को इसके बारे में सूचित किया जाता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। कुछ पेरेंट्स तो खुद अपने आप विलिंग शो करके जाते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में अगर स्कूल में बच्चा वो नहीं आता है तो हमें इन्फॉर्म किया जाए, हमें बताया जाए कि ये बच्चा स्कूल में आज पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ताकि उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि वो बच्चा कहीं और जगह तो नहीं चला गया। और इसके साथ एक एक ये भी है कि सेफ्टी बच्चों की बनी रहती है कि कल को बच्चे को रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई परमात्मा ना करे ऐसे तो अभी तक हुआ नहीं है, मिसहैप हो जाती है, तो बच्चों के पेरेंट्स को ये भी पता लग जाता है कि बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। इस उपराले से सारे टीचर्स भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चों को भी एक तरह की वार्निंग मिल गई है कि वो बीच में से जैसे चले जाते होते थे या कहीं और उनको मौका मिल जाता था, उस मौके को भी वो अब ऐसा नहीं गेन कर सकते हैं। कैसे किया जाता है कि कोई दवाई से आपके हाँ पास जी हाँ आ जी रहा हर है हर टीचर के फोन में ये ऐप बनी हुई है जी। वो ऐप के जरिए इसका खोलते हैं और उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनको मार्क किया जाता है ताकि उनके बारे में वो मैसेज सीधा ई पंजाब पे चल जाए। ये ऐप जो है वो ई पंजाब के साथ कनेक्टेड है। हर टीचर के फोन में ऐप है, हर टीचर के फोन में ये स्कूल की ऐप, उनके जो सेक्शन है, जो क्लास को वो पढ़ा रहे हैं, जिसके वो इंचार्ज है, वो अपनी ऐप से ही उसमें हर बच्चे का नाम शो होता है, हर बच्चे का पेरेंट्स का नाम, सारा डिटेल्स वो शो होती है। उसमें जब वो मार्क करते हैं तो वो डायरेक्टली चंडीगढ़ में वो डाक पहुंच जाती है, ऐसे ही उनके पास मैसेज पहुंच जाता है। उनके पेरेंट्स के पास कैसे मैसेज है? देखिए ई पंजाब में मैंने आपको बताया उनका सारा डाटा है, उनके पेरेंट्स का फोन नंबर भी रजिस्टर्ड है। वो जब क्लिक करेंगे कि ये वाला बच्चा आज नहीं आया, उस पेरेंट्स को आज मैसेज पहुंच जाएगा कि आज आपका एक बच्चा आया। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दीजिए, जिन पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है आजकल जी ऑलमोस्ट सभी के पास है। कई लोगों के हाँ पास नहीं भी आज भी नहीं देखिए ये तो SMS आना है, हाँ ये तो SMS आना है, कोई ये व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं आना, ये तो SMS आना है। वो आप चाहे तो छोटा फोन भी होगा उसके पास भी ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर खुशी। कौन सी क्लास में? सर 10th। जो नया उपराला किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, कैसा लगता है? सर ऑनलाइन जैसे कि आजकल अटेंडेंस लग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है, जिसकी वजह से बच्चे रेगुलर हो गए हैं स्कूल, जो नहीं भी आते थे वो भी आ रहे हैं कि हाँ भी हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस जानी है, तो जिसकी वजह से फिर हमारा नाम भी काट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर 10 दिन या 5 दिन से ज़्यादा छुट्टी करेंगे बच्चे तो पहले तो उनके पेरेंट्स को फोन जाएगा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, जेकर बच्चे नहीं आएंगे मुड़ के फिर अगर वो अपना रीज़न भी नहीं बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए हैं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। वैसे तो हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हमें पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं, अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है या उसको कोई घर में प्रॉब्लम है तो वो हमें फ़ोन करके स्पेशली पूछते हैं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें रेगुलर स्कूल आने को भी बोलते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कहते हैं कि आप हमें फ़ोन करके बता दो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अटेंडेंस आके लगवाओ, थोड़ी देर पढ़ाई करो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है आप हाफ डे पढ़ के भी जा सकते हो घर। उसके बावजूद भी कई बच्चे नहीं आते हैं जो बंक कर लेते हैं, तो मैम उसी टाइम मतलब फ़ोन करके उनके घर पे पूछते हैं कि आपका बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है, कहाँ पर है, वो भी स्कूल पहुँचा नहीं है। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स को भी पता लग जाता है कि उनका बच्चा स्कूल तो गया था पर स्कूल नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी हो जाता है कि, पर ऑनलाइन जब से अटेंडेंस लगने लगी है तब से बच्चे भी सारे प्रेजेंट होने शुरू हो गए हैं,
हमारे प्रिंसिपल मैम भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, वो भी आगे से बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें आगे बताओ, बट स्कूल से छुट्टी नहीं करनी या बंक नहीं करना, रेगुलर स्कूल आना है। बाकी मैम तो पूरा सपोर्ट करते हैं अच्छे से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दानिया। कौन सी क्लास? 10th। जो उपराला ऑनलाइन अटेंडेंस का शुरू किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे हमारे स्कूल में तो पहले से ही ऐसे चलता है, मतलब जब से ये हुआ है उससे भी काफ़ी साल पहले से ऐसे होता है कि अगर कोई स्कूल में नहीं आ रहा है तो मतलब फर्स्ट पीरियड जैसे अटेंडेंस लगती है, जैसे पहले ऑनलाइन नहीं थी तब भी अगर कोई नहीं आता तो मैम फ़ोन करके पूछ लेते थे कि क्यों नहीं आया, या मतलब कई बारी कई झूठ बोल के कहीं इधर उधर चल जाते हैं तो मैम पूछ लेते थे, और अगर बच्चा घर पे ही होता था मतलब पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तब से तो ऑलमोस्ट सभी आ ही रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर नहीं आएंगे तो फिर फैमिली को पता लग ही जाएगा, तो मतलब और काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे कोई बंक भी नहीं करेगा, सबको एक डर रहेगा। नहीं वैसे ऐसे तो कोई नहीं पकड़ा गया, मतलब हमारी क्लास में तो सभी वैसे भी आते ही हैं ऑलमोस्ट।